अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रोइड कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे लगाना है। यार बेल्ट बोल है निकालने के लिए, वो इंजन क्यों खोल रहे हो? इसके अंदर बॉक्स ये बॉक्स नज़र आ रहा इंजन है, वो बेल्ट निकालो। कॉन्ट्रोइड लगाने से पहले आपको कॉन्ट्रोइड क्रैंक के ऊपर रखना पड़ता है सब कुछ, जैसे पता है ये सेंटर पॉइंट है। अगर आप 100 टन में कर रहे हैं तो मोस्टली डायरेक्ट में सभी में आता है, इसके सेंटर पॉइंट है और ये इसके मेन होल हैं जो नीचे कॉन्ट्रोइड की जगह बनी हुई उसके ऊपर आने चाहिए। और ये थोड़ा क्रिटिकल होता है इसलिए कि ये बिल्कुल केबन के नज़दीक होता है, तो इसलिए यार दो बेल्ट है ना, एक बेल्ट है उधर से डालो और दो इससे नीचे करो, कुछ तो कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो। एक ही है तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो नीचे डालो ना, इधर से ऊपर यू में डालो ना, बस निकालो, दूसरी वो डालो ऊपर। मेरे साथ रिगर नहीं है, इनको पता नहीं इसलिए ये हालत हो रही है। ये मेरे काउंटरवेट पड़े हैं, अब हम इनको क्रैंक के ऊपर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद लगाएंगे। पहले देखते हैं कि ये इंस्टॉलेशन इसकी, उम्मीद करता हूँ आपको घुमा दे, इस तरह ऐसे ही घुमा दे, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस 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 इधर से अंदर से खड़े हो जाओ, अंदर वाली साइड में। हाथ लगाओ, रीगर ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। भाई ये सेंटर वाला हॉल है ना, इधर से दोनों साइड स्क्रीन करना है, कुछ सोच के काम करना है। सीधा आना चाहिए ना, सीधा चाहिए। छोड़ दो बस, निकाल ले, निकाल ले, ये निकाल के उधर ही रख दो। हाँ वो भी निकालो, हमने काउंटर ऊपर रख ली है,
जैसे अभी कॉन्ट्रोवेट रखे हैं ना, ये सेंटर होल है। अब कॉन्ट्रोवेट इधर आएगा, स्ट्रेट आएगा, उसके नीचे दो पोजिशन दी हैं जिसपे उसके अंदर होल है, एक इधर आएगा उधर है, उसके आएगा ऑटोमेटिकली आप कॉन्ट्रोवेट बराबर बैठ जाएगा। साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, पीछे वाली साइड से ऑलरेडी स्पोर्ट दी हुई है। अभी आप कॉन्ट्रोवेट लगाने, टायरस का है, लिबर का भी मैच करता है, लेकिन टायरस का जो है ना, जैसे कि आप ये होल है आपका सिलेंडर, पहले आप इस साइड पे डाउन करेंगे उस साइड से या इस साइड से सिलेंडर इधर आके डाउन करेंगे, आप डाउन आके फिर आप स्विंग करेंगे जीरो जीरो में। जब स्विंग करेंगे तो ये सिलेंडर आपके इधर आ जाएगा सेंटर में, इसके अंदर दोनों साइड से आप स्विंग कर सकते हैं। जैसे सेंटर में आएगा सिलेंडर डाउन होगा यहाँ तक आके, जब आप अप करेंगे तो ये सिलेंडर इनको फिर ले के ऊपर चढ़ जाएगा जो फिक्स हो जाएगा। ये नीचे निशान आपको नजर आएंगे, इसके अंदर ऊपर, और ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको पूरी बात समझ आ जाए कॉन्ट्रोवेट कैसे लगते हैं। अब मैं ये कॉन्ट्रोवेट लगाऊंगा, ये जैसे अब पहले मैंने ये दोनों चार पे पोजीशन दी है जीरो पे उठाने के लिए, और ये दूसरी 356 है, दोनों पोजीशन है। अब मैं लेके जाता हूँ कॉन्ट्रोवेट लगाने के लिए, वैसे मुझे इधर लगाने नहीं है, लेकिन एक बार मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, किसी किसी ग्रेन की कैलिब्रेशन में फ़र्क होता है, तो वो बराबर ही यहाँ पे आपको जो है ना उसकी एरर सही नहीं बताते। जैसे कि ये मेरी ग्रेन है, आपको यहाँ पे जीरो जीरो पर रखना है, ये लाइन जो चल रही है ना कॉन्ट्रोवेट की, ये इस पे रखना है, यहाँ पे आपके आप सिलेंडर अपने डाउन करेंगे। ये मैंने सिलेंडर डाउन करना शुरू कर दिया, अब मेरा सिलेंडर डाउन जा रहा है, आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा। मैं ग्रीन होने का वेट करूँगा कि जब मेरे दोनों सिलेंडर डाउन हो जाएंगे तो मेरा जो ये वाला बटन है ना जो ग्रीन हो जाएगा, ये सिलेंडर डाउन वाला। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो मुझे स्विंग करने के लिए भी परमिशन मिल जाएगी, तब तक देखिए अभी स्विंग वाला और कॉन्ट्रोवेट वाला दोनों ग्रीन हो गए। मैं थोड़ी देर दबा के रखूँगा क्योंकि नहीं तो फिर ये कलर इसके चेंज हो जाएगा। ये अब मैं इसको स्विंग करना शुरू कर रहा हूँ, तो ये देखें आप सेंटर में मुझे इसको लेके आना है कॉन्ट्रोवेट लगाने के लिए, लेकिन मेरी ग्रेन की कैलिब्रेशन का थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये सेंटर मेरा यहाँ होता है, ये यहाँ करके। अब इसका जो बेहतर हाल है, जब भी आपने कॉन्ट्रोवेट पिक करने हैं या नीचे करने हैं या उठाने हैं या डाउन करने हैं, तो आपको ज़ीरो ज़ीरो पे करने से बेहतर है आप मैनुअल लॉक लगाएं। ये मैंने मैनुअल लगा, मेरा नहीं लगा हुआ था, अभी मैं इसको लगाऊँगा, ये वो देखें नीचे, अब थोड़ा इसको स्विंग करूँगा तो ये वो देखें मेरा स्विंग लॉक लग गया। स्विंग लॉक लग गया मतलब मैनुअल लॉक का मतलब है आपकी क्रेन बिल्कुल जीरो जीरो पे पिच स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे जीरो जीरो नहीं शो कर रहा, एक कैलिब्रेशन का फ़र्क है कंप्यूटर में, अदरवाइज मेरी क्रेन बिल्कुल जीरो जीरो है, क्योंकि मैनुअल लॉक अपनी जगह से तो नहीं हिल सकता। तो ये मैंने लगा दिया, अब मैं कॉन्ट्रोवेट उठाऊँगा, तो ये मैंने ऊपर वाला बटन दबाया, अब मैं वेट करूँगा ग्रीन का कि मेरा मुझे स्विंग की परमिशन मिल जाए। जब पूरे कॉन्ट्रोवेट मेरे उठ जाएंगे तो ये मेरे दोनों लॉक ग्रीन हो जाएंगे, ये वाले ग्रीन हो गए, मेरे कॉन्ट्रोवेट उठ गए। अब उसके बाद मुझे सिर्फ अपना लॉक रिमूव करना है, जैसे लॉक, ये लॉक रिमूव किया और खलास, अब मैं कहीं भी स्विंग कर सकता हूँ और अपनी ऑपरेशन शुरू कर सकता हूँ, भी काम शुरू कर सकूँ। लेकिन अब फिर इसको खोलने के लिए, पहले आपने जब लगाने थे तो 4 या 56 पे आप लेके आए थे, लेकिन अभी क्या है, अब रिमूव करना है तो पहले आप ज़ीरो पे लेके आएंगे और यहाँ पे आके स्विंग लॉक लगाएंगे, जैसे मैंने अब लगाता हूँ, ये फिर मेरा स्विंग लॉक लग गया, आपने ये फोल्डर खोला हुआ है ऑलरेडी। अब मैं कॉन्ट्रोवेट डाउन करूँगा, ये मेरे डाउन हो गया। अब जब मेरे पूरे कॉन्ट्रोवेट डाउन हो जाएंगे तो मुझे फिर ग्रीन का ऑप्शन मिलेगा स्विंग के लिए कि आप कॉन्ट्रोवेट पूरे डाउन हो गए और आप जो है ना स्विंग कर सकते हैं किसी भी साइड पर, दोनों में से वो चॉइस एपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी भी साइड पर स्विंग कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल इस साइड सॉरी मैंने अभी लॉक मैं ओपन करूँगा मैनुअल अपना, वो जी लॉक मेरा ओपन हो गया,
अब मैंने किसी भी साइड पे स्विंग करना है, ये ग्रीन एरिया में आ गया तो कोई मुश्किल नहीं, कहीं भी आ जाऊँ तो। मोस्टली आप अगर आपके नया क्रेन है ठीक है तो आप चार पे रखें सेंटर में, इधर से यहाँ रखें इधर से यहाँ रखें, लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क भी हो तो थोड़ा मैं इधर रख रहा हूँ, लेकिन ग्रीन एरिया में कहीं भी हो तो कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे आके मैं फिर अपना सिलेंडर उठाऊँगा, ये मैंने सिलेंडर उठाना शुरू कर दिया, काउंटर वेट में रिमूव हो गए, अब मैंने सिलेंडर उठाना शुरू कर दिए, ये मेरे तो ग्रीन हो गया, मेरे सिलेंडर पार्किंग पोजीशन में चले गए और मैंने फिर अपना स्विंग सेट करना शुरू करा। अगर आपका सिलेंडर पूरा डाउन नहीं होगा तो ये आपका स्विंग नहीं होगा, ये सेफ्टी उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। देखिए यहाँ पे है ना ग्रीन पे, मैं सिलेंडर थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, ये देखिए मुझे बल्कि पूरा डाउन कर लेता हूँ, कि मैं पूरा डाउन कर लेता हूँ, 100% भी डाउन कर दूँ ना तो जो मेरा अंदर का एरिया है ना, जो मुझे अलाउ करता है जिसमें मेरा काम है, उसमें तो मेरा स्विंग होगा, लेकिन उसके बाहर वाली साइड पे स्विंग नहीं होगा। क्यों? कि उसके बाहर वाली साइड पे अगर मेरा सिलेंडर डाउन हो गया तो दूसरे काउंटरवेट से वो टच कर सकता है, क्योंकि उनमें होल रहता है ना, होल वहाँ ख़त्म हो जाता है। अब जैसे देखिए ना, अंदर तो मैं स्विंग कर सकता हूँ, ये देखिए इधर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर स्विंग नहीं कर सकता। ये देखें, वन साइड रेड हो गया, ये सेफ्टी दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, अगर भूल के आप गलत साइड गलत डायरेक्शन पर आप स्विंग करेंगे तो ये साइड रेड हो जाएगी कि आप इधर स्विंग नहीं कर सकते, आप वापस जो है ना अपने अंदर जाएं, जहाँ कॉन्ट्रोवर्ट एरिए में जहाँ कॉन्ट्रोवर्ट लगाने हैं, तो फिर मैं वापस जहाँ जाऊँगा, देखिए दूसरी साइड में मैं स्विंग कर सकता हूँ। तो अभी ऑलरेडी मैंने आपको पूरा समझा दिया है, फिर मैं सिलेंडर अपना क्लोज करता हूँ, जब पूरे सिलेंडर ऊपर हो जाएंगे फिर मुझे पूरी एरिए में मैं स्विंग कर सकता हूँ। और एक और बात, कभी कभी सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर इनके वैसे भी थोड़े बहुत 1 मिली 2 मिली कहीं लीकेज हो या किसी वजह से डाउन हो जाते हैं तो ये रेड हो, थोड़ा भी सिलेंडर डाउन होगा आपका स्विंग रेड हो जाएगा, आपकी करंट स्विंग नहीं करेगी, चाहे आपको नज़र नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा मेरे सिलेंडर क्लोज हैं, ये तो मैंने डाउन किया ही नहीं है काउंटर वेट वाले, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि इसको स्विंग नहीं करेगा। तो उसका आपको क्या करना है, मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पर स्विंग कर रहा हूँ ना, अभी काउंटर वेट का मेरा काम नहीं है, काउंटर वेट मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिए, लेकिन ये थोड़ा सा भी मैंने इसको ये हाथ लग गया ना नीचे, ये देखिए ये रेड हो गए, अब मेरी करंट स्विंग नहीं करेगी, मुझे क्या करने का, दोबारा इसको दबा के रखूँगा, ये थोड़ी देर दबा के रखूँगा, सिलेंडर जैसे पूरा क्लोज ग्रीन आएगा मेरी क्रेन का स्विंग ग्रीन हो जाएगा, अब मैं स्विंग कर सकता हूँ। काउंटर वेट 100 टन से शुरू हो जाते हैं, वैसे 60 टन में भी दी 50 में दिए हैं, लेकिन वो फिक्स में लेबर में फिक्स करने पड़ते हैं, टैरिफ में फिक्स हैं, लेकिन किसी भी क्रेन का काउंटर वेट लगाना रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। और दूसरा ये बात कि बाज़ का अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे भी वो आपको काउंटर वेट लगाते हैं, कहते हैं लगाओ और रिमूव करो, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये दिन में बहुत बार आपको काउंटर वेट लगाने भी पड़ते हैं और रिमूव भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए इस चीज़ में वो आपके पास नहीं है कि आप बार बार भूल जाएँ, तो भूलेंगे तो कुछ मिस्टेक होगा। इन किरणों में बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी है, कहीं भी आप गलती करेंगे तो आपको वो बताएगी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस काउंटर वेट का समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई आपको इसमें सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।